एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करेंगे और यह है प्रथम सूचना रिपोर्ट, एफआईआर कैसे दर्ज की जाए। मेरे पास बहुत सी शिकायतें आती हैं कि हमारी एफआईआर थाने पर नहीं लिखी जा रही, तो इसके लिए जो विधि के प्रावधान हैं उनके संबंध में आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसमें जो चैप्टर 12 है, अध्याय 12, दंड प्रक्रिया संहिता का, सीआरपीसी का, उसकी जो धारा 154 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें दिया गया है कि अगर किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना थाने पर इतला दी जाती है तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन यानी कि एसएचओ या प्रभारी निरीक्षक जो इंचार्ज है उसका दायित्व है कि वह एफआईआर को दर्ज करेगा। यदि वो ओरली भी दी जाती है यानी कि मौखिक रूप से दी जाती है तो उसको रिड्यूस करेंगे राइटिंग में, लिखित में उसको कराएंगे और उसके बाद पढ़कर सुनाया जाएगा कि एफआईआर में क्या लिखा गया, उसका कंटेंट क्या है। तो इस प्रकार से एफआईआर लिखने का दायित्व एसएचओ का है। कई बार एफआईआर लिखने में आनाकानी की जाती है, कारण बहुत से हैं। जो मैंने अभी तक इसके कारण देखे हैं उसमें सबसे बड़ा कारण आता है भ्रष्टाचार। बहुत से लोग भ्रष्ट हैं, एफआईआर नहीं लिखना चाहते। बड़ी स्पष्ट डायरेक्शंस दी जाती हैं कि किसी भी अपराध को मिनिमाइज ना किया जाए, किसी भी अपराध को लिखने में कोई कोताही ना की जाए, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। तो उसके लिए भी अब प्रावधान बहुत ही स्ट्रिंजेंट बना दिए गए हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी स्थिति में आप क्या करें। उसके कारण कई हैं कि जिसमें एफआईआर लिखने में मना करने में एक मैंने बताया भ्रष्टाचार, दूसरा कई बार हो सकता है कि मल्टीपल डायरेक्शंस हो, कहीं कई बार कोई पॉलिटिकल बॉसेस से या किसी इस तरह के हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे कुछ क्लियर डायरेक्शन अगर नहीं मिल पा रही है तब भी एफआईआर में डिले हो जाता है। कई बार कुछ घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर या झूठ बोलकर लिखाया जाता है जिसका एसएचओ को पहले से ही मालूम है, तो उसमें भी वो कई बार डिले करते हैं। लेकिन ऐसे सभी मामलों में आप क्या करें, अगर एफआईआर लिखने में थाने पर आनाकानी की जाती है तो उसके लिए प्रावधान है हमारा 154(3) में ही दिया हुआ है, जो सबसेक्शन 3 है उसमें दिया हुआ है कि उसकी इतला फिर जो पुलिस अधीक्षक हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के एसपी हैं, उनको बाय पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी जा सकती है। और ऐसी कंडीशन में अगर उसमें संज्ञेय अपराध बनता है तो पुलिस अधीक्षक इसको स्वयं रजिस्टर कराकर उसकी खुद ही इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं और अपने किसी भी सबॉर्डिनेट पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप सकते हैं। तो ये प्रावधान 154(CRPC) में दिए गए हैं। अब इसमें कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है एफआईआर के लिए तब उसमें क्या क्या होना चाहिए और उसमें आपको कॉपी किस प्रकार से दी जाएगी मैं इसके बारे में बताऊंगा। यदि आपने एफआईआर लिखाई है तो इन्फॉर्मेंट को उसकी निशुल्क एक कॉपी तत्काल उपलब्ध करा दी जाती है। साथ ही जो एफआईआर लिखी गई है उसकी जीडी में भी एक एंट्री दर्ज की जाती है और इस पर सभी पर टाइम भी लिखा जाता है कि घटना का समय क्या है, घटना रिपोर्ट कब की गई है। तो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि एफआईआर में सही तथ्य लिखे जाएं, उसका विस्तार पूर्वक लिखा जाए। कई बार कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, जैसे कोई ओमिशन हो गया, आप जो है संकट के समय में हैं, आप पूरी तरह से नहीं देख पाए, तो एफआईआर में सभी फैक्ट्स का आना ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ फैक्ट्स बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी आ सकते हैं या बाद में अन्य गवाहों के बयान में भी आ सकते हैं, लेकिन एफआईआर लिखना बेहद आवश्यक है क्योंकि उसी के बाद हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो पूरा मूवमेंट में आ जाता है। तो एफआईआर अगर आपकी पुलिस के द्वारा फिर एसपी को भी अप्रोच किया तब भी नहीं लिखी जाती तो फिर इसका एक ऑप्शन और है जो धारा 156 है, उसमें 156(3) के तहत जो वहाँ के ज्यूरिसडिक्शनल जो मैजिस्ट्रेट हैं, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, वो इस पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आदेशित कर सकते हैं। और इन्वेस्टिगेट करने का अर्थ है कि एफआईआर को पंजीकृत किया जाना। वर्ष 2018 में सीआरपीसी में संशोधन किए गए, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये संशोधन भी, और इसमें एफआईआर के संबंध में एक निर्देश है कि यदि कोई महिला जो विक्टिम है वो दिव्यांग है,
मेंटली या फिजिकली वो डिसेबल्ड है, चाहे टेम्परेरीली या परमानेंटली। तो ऐसी महिला के साथ यदि कोई अपराध घटित हुआ है, जैसे एसिड अटैक का अपराध हो गया, 326A, 326B, उसी की तरह फिर ये बलात्संग का है, या आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन, 354 के केसेस हैं, या रेप के केसेस हैं जिसमें 376 और उसकी अन्य धाराएं, जिसमें गैंग रेप भी है, और जो महिलाओं के साथ उनकी एज के अनुसार उसको कैटेगराइज भी कर दिया है। इस तरह के अपराध अगर घटित होते हैं तो उसकी FIR तत्काल लिखनी चाहिए। और यदि वो चाहते हैं कि उनके जो प्लेस ऑफ कन्वीनियंस, जिस स्थान पर वो महिला है, वहाँ जाकर जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज है उनको FIR दर्ज करनी होगी और उसकी कॉपी एक निःशुल्क वहीं पर देनी होगी और तत्काल उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करना होगा। इसी तरीके से मेडिकल कराया जाना, ऐसे विक्टिम्स का मेडिकल भी तत्काल 24 घंटे के अंदर अवश्य हो जाना चाहिए, जितनी जल्दी कर सकते हैं उसका मेडिकल का कराया जाना। इसी प्रकार से 164 के बयान जो मजिस्ट्रेट के समक्ष होते हैं, कलमबंद बयान जिनको कहते हैं, तो वो भी विक्टिम का अति शीघ्र करा देना चाहिए। यदि इस पर लापरवाही की जाती है तो ऐसे मामलों में यहाँ तक प्रावधान कर दिए गए हैं कि IPC की जो हमारे धारा 166A है, जिसमें पब्लिक सर्वेंट अगर कोई कोताही करता है FIR लिखने में इन अपराधों के संबंध में, जो महिला संबंधी अपराध हैं, जैसा कि मैंने बताया 356A, B और साथ ही 376 का D, इस प्रकार के जितने भी अपराध हैं उन सब में अगर थानाध्यक्ष FIR पंजीकृत समय से नहीं करते तो उनके खिलाफ भी FIR हो सकती है, और उसमें सजा का प्रावधान है 2 वर्ष की, इसमें मैक्सिमम सजा हो सकती है, और इसमें 6 माह से कम की सजा नहीं होती। तो इस प्रकार के सख्त प्रावधान उसमें कर दिए गए हैं, और ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें FIR ना लिखने पर इनके सभी ऐसे थानाध्यक्ष जो इसके दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ FIR पंजीकरण के भी आदेश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाते हैं। अब मैं कुछ और महत्वपूर्ण जो ऐसे जो प्रैक्टिकल फैक्ट्स हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। कुछ लोग FIR के एक इंसिडेंट की कई FIR लिखाना चाहते हैं, इंसिडेंट एक हुआ है उसको तरह तरह से पेश किया गया, तो ऐसी एक ही इंसिडेंट की एक ही FIR होती है, उसकी कई FIR नहीं हो सकती। कुछ लोग क्रॉस FIR लिखने में, एक पक्ष ने कुछ FIR दी है, दूसरे पक्ष ने दूसरी FIR दी है, तो ये भी इस प्रकार की FIR दो पक्षों की दर्ज करने में कोई हर्जाना नहीं है, वो कर लेनी चाहिए। फिर कई बार ऐसे मामले हमारे सामने आते हैं कि इंसिडेंट कई हुए हैं लेकिन उसकी FIR एक लिख दी गई, तो इसके लिए भी प्रावधान है कि हर इंसिडेंट का अलग अलग FIR लिखा जाना आवश्यक है। जैसे मोटर वाहन के चोरी के बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं, अपराध को छुपाने की दृष्टि से, संख्या कम करने की दृष्टि से, एक ऐसा ही वाक्या मैंने देखा कि उसमें लूट के मामले में या चोरी के मामले में जिसमें वाहन चले जाते हैं, क्योंकि वाहनों की संख्या बढ़ रही है, इस प्रकार के अपराध भी बढ़ते जाते हैं, तो थानाध्यक्ष की कोशिश होती है कि जब कई घटनाएं एक साथ हो जाएं तो उनकी एक FIR बना के लिख देते हैं। मैंने एक FIR देखी, उसमें लिखते हैं कि आज ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ सोम प्लाजा के सामने एक मैंने अपनी बाइक खड़ी की थी, उसके बाद वहाँ बाइक जब मैं बाहर आया प्लाजा से तो उसके बाद देखा मेरी बाइक नहीं थी, चोरी हो गई है, मेरी FIR पंजीकृत कर ली जाए। मैंने वहाँ जब मौके पर सोम प्लाजा के आसपास कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, यहाँ 6 मोटरसाइकिल या इस तरह की चोरियाँ पहले भी हो चुकी हैं, तो लगता है कि यहाँ अक्सर चोरी होती रहती है, और 7 गाड़ियाँ यहाँ से चोरी कर ली गई हैं, तो एक FIR में इस तरह लिख दिया गया। तो ये गलत है, जब घटना हुई है तभी FIR होनी चाहिए। तो इस तरह की कई बार लोग टेक्निकल आधार पर उसको एक FIR में रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं अपराध कम दिखाने के लिए। इसी प्रकार का एक वाक्य मुझे याद है कि जब मैं ASP था तब एक टेस्ट FIR के लिए मैं एक बिजनौर के एक थाने पर DIG रेंज महोदय ने मुझे भेजा, तो मैं वहाँ मौके पर गया एक आम आदमी की तरह, वहाँ FIR लिखाने के लिए जब कोशिश की तो पहले कहा उन्होंने कि अभी एक हम दो व्यक्ति थे जो वहाँ पर गए थे, तो उन्होंने कहा कि आप लिखिए क्या इंसिडेंट हुआ। तो मैंने अपने एक साथी को वहाँ थाने पर छोड़ दिया कि
आप इंसिडेंट लिखाइए इसमें, और उन्होंने कहा कि आप चलिए, जो घटना हुई है घटना स्थल हमें दिखाइए। उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया मुझे पीछे, और फिर हम घटना स्थल पर गए। तो मैंने उन्हें वहाँ जाकर बताया कि इस तरह से यहाँ घटना हुई थी। तो थाना अध्यक्ष और बाकी जो हमारे जवान थे वो काफ़ी मुझसे पूछताछ करते रहे कि आप कहाँ से आए हैं। तो मैंने एक ऐसी स्टोरी बना दी थी, एक काल्पनिक सी कहानी बनाकर उनको सुना दी। तो उन्होंने कहा यहाँ कभी होती तो है नहीं चोरी। फिर मैंने अपनी आइडेंटिटी उनको डिस्क्लोज कर दी। मैंने बताया कि मैं ASP हूँ, टेस्ट FIR के लिए आया हूँ। उन दिनों मोबाइल फ़ोन का प्रचलन नहीं था, तो मैंने कहा कि कुछ देर वहीं पर बैठिए। उनको बैठने के बाद करीब आधा घंटे मैंने वहाँ घटना स्थल पर बिताया, और उसके बाद जब हम वापस थाने पर गए तो तब तक जो मेरा साथी था उन्होंने अपनी एक FIR दे दी थी, और चिक आधी काटी जा चुकी थी। मैंने फिर वहाँ जाकर मुंशी को, हेड मॉरियर को बताया, और थाना अध्यक्ष साथ में ही थे, उन्होंने बता दिया कि ये टेस्ट FIR थी। तो वहीं से मैंने कैंसिल कर दिया कि ये टेस्ट FIR है, उसको कट किया। फिर मैंने अपने साथी से पूछा कि क्या क्या आपको देखने में मिला, क्या कमियां मिली FIR लिखने में। तो उसने बताया कि मैंने कहा था कि हमें इस तरह से, हम पैसे लेकर आ रहे थे अपनी बहन के रिश्ते के लिए, यहाँ पर आए थे, कुछ पैसे हमने अपनी शर्ट में और कुछ बैग में रखे हुए थे। तो 5 लोग आए, उन्होंने हमारे पैसे छीन लिए और तमंचा दिखाकर भाग गए। तो मैंने कहा कि ये FIR में तो ये लिखा गया। उन्होंने कहा नहीं, बस ये कटवा कर उन्होंने कह दिया कि ऐसा कीजिए कि भाई साहब आपके पैसे तो पूरे ही बरामद होंगे, लेकिन आप 3 आदमी लिखवा दीजिए इसमें कि 3 आदमी आए। तो इस तरीके से कई बार घटनाओं को छोटा कर, उनको कुछ धाराएं बदलकर परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं, तो ये कदापि नहीं करना चाहिए। जैसी घटना हुई है, जैसा रिपोर्ट किया गया, उसकी FIR उसी तरह पंजीकृत कर लेनी चाहिए, और जब विवेचना होती है तो विवेचना में अन्य बिंदुओं को शामिल किया जा सकता है। अब कई बार मेरे पास शिकायतें आती हैं कि थाने पर FIR नहीं हो रही है, क्या किया जाए। अब हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम जितने भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, साथ ही यूपी पुलिस की जो वेबसाइट है upipolice.gov.in, इसमें भी सिटीजन पोर्टल दिया हुआ है। अब बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें EFIR कराई जा सकती है, जो नामजद FIR नहीं है। साइबर क्राइम के रिपोर्ट करने के लिए भी साइबर थाने बना दिए गए हैं। अन्य अपराध जो भी IPC के पूर्व से पंजीकृत होते रहे हैं, तो इन सभी अपराधों में अगर अपराध लिखने में आनाकानी करते हैं तो आप उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को जरूर दें। हमारे CUG नंबर उपलब्ध हैं, जैसे मेरा नंबर है 9454400139, 94-54-40-0-139। तो इस पर जो सूचनाएं आ जाती हैं हम रिकॉर्ड करते हैं, और थानाध्यक्ष को या हेड मॉरियर को यहीं से निर्देश देते हैं। यही बात हमने अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बताई हुई है, जिसमें CO से लेकर SPs, एडिशनल SP, SSP और IG रेंज, ये सभी इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि यदि कोई घटना हुई है उसकी FIR पंजीकृत हो, उसकी सही कार्रवाई की जाए। FIR में लिखने में कई बार हमारे जो ऐसे कुछ लोग हैं जो इसका संज्ञेय अपराध का अर्थ नहीं समझते, संज्ञेय अपराध की FIR लिखी जाती है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल का अर्थ है कि जिन केसेस में बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के पुलिस अधिकारी उसको दर्ज कर सकता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, उसमें बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है, ये कॉग्निजेबल केसेस है, संज्ञेय अपराध जिन्हें कहते हैं। तो इनकी FIR लिखी जाती है। अगर FIR में जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें ये कंटेंट बनता है कि वो संज्ञेय अपराध है, तब उसकी FIR लिखी जाएगी। कई छोटे छोटे ऐसे अपराध हैं जो असंज्ञेय अपराध हैं, जैसे 323 IPC का है, या अन्य ऐसे छोटे अपराध जिनमें सजाएं कम हैं। तो ऐसे मामलों में वो नॉन कॉग की श्रेणी में आ जाते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को हम उनको कहते हैं। और नॉन कॉग केस में पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने की या किसी अपराधी को अरेस्ट करने की पावर नहीं है। यदि उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाना आवश्यक समझते हैं तो उसके लिए उन्हें सक्षम मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी होती है, और जब एक बार अनुमति मिल जाती है तो उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। कई केस ऐसे होते हैं कि जिनसे कुछ धाराएं नॉन कॉग्निजेबल है लेकिन कुछ धाराएं कॉग्निजेबल है,
तो उसकी FIR पंजीकृत होनी चाहिए, फिर उसको हम कॉग्निजेबल केस के रूप में ट्रीट करते हैं। अब मैं एक साधारण सी बात और बता दूं कि जिसमें अगर आपको शिकायत करनी है, FIR लिखने से आप पीड़ित हैं, आहत हैं, उसकी सूचना आप जो मैंने पहले बताया फ़ोन के द्वारा दे सकते हैं। दूसरा, मैं चाहूँगा कि आप अगर थाने पर आपको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होता, आप अगर महिला हैं, कोई आप जो है बच्चे हैं, तो आप जाइए हमारे जो महिला हेल्प डेस्क हैं, प्रत्येक थाने पर राउंड द क्लॉक काम करता है 24/7, वहाँ जाइए, FIR के लिए अपनी बात बताइए, वहाँ पूरी रिकॉर्डिंग होती है और आपको स्टेशनरी भी मिलेगी और वहाँ आप अपनी FIR पंजीकृत करा सकते हैं। हमने सभी ऐसे जो हेल्प डेस्क चलाने वाले हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको ट्रेन किया है कि वो उनको सॉफ्ट स्किल्स सिखाई हैं, वो आपकी बात गंभीरता से सुनेंगे और आपकी FIR पंजीकृत कराएंगे। CCTNS जो हमारा सॉफ्टवेयर चलता है जिस पर FIR लिखी जाती है, उसमें आपको कंप्यूटराइज्ड लिखी हुई FIR मिलेगी। कुछ लोग जैसे एप्लीकेशन दी उसको रिसीव करके दे दिया, कुछ रिसीव भी नहीं करते, तो उसमें शिकायतें आती हैं। आपको पता होना चाहिए FIR जब पंजीकरण हो जाएगा तो आपकी वो उसकी कंप्यूटराइज्ड प्रिंटेड कॉपी निःशुल्क दी जाएगी। ये इन्फॉर्मेंट को उसमें देने का और उनको ये कॉपी प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। तो इस प्रकार से आप FIR इंश्योर कराइए कि आपकी कॉग्निजेबल मामले में FIR हो गई है। अगर नहीं करते तब क्या करें? ऐसे मामले में मैंने बताया हेल्प डेस्क पर जाकर आप सहायता ले सकते हैं, वरिष्ठ अधिकारी से मिल सकते हैं, वहीं से आप फ़ोन कर सकते हैं। एक तरीका और है कि आप जब भी एप्लीकेशन अगर घर से लिख कर ले जा रहे हैं तो डुप्लीकेट में लिख कर लेकर जाइए, और अगर थाने पर आनाकानी करते हैं, आप थाने के बाहर निकल कर जहाँ थाने का बोर्ड लगा है वहीं से आप एक वीडियो शूट कर सकते हैं, फोटो ले सकते हैं ये दिखाने के लिए कि आप थाने पर गए थे, और हमें कंप्लेंट के साथ अगर भेज देंगे तो उसमें ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने ये लोप किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वो शिकायतें हमारे जो सोशल मीडिया सेल्स हैं हर एक जनपद में, रेंज में, जोन में और हेडक्वार्टर में, ये लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। पब्लिक सेटिस्फेक्शन के लिए हम ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी शिकायत आती है उसका संज्ञान लिया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। तो जितनी बातें मैंने CRPC के प्रावधान के बारे में बताई है और जो प्रोसीजर बताया है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मुझे पूरी आशा है कि आपकी FIR अवश्य लिखी जाएगी और